हाय। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्ट। बेसिकली व्हेन वी से आर्ट देन व्हाट डू यू मीन बाय इट? सो लेट मी आंसर दैट। व्हाट इज आर्ट? आर्ट आखिर है क्या? आइए देखते हैं कि आर्ट इज अ नेचुरल स्किल दैट सिंपली नीड्स टू बी ब्रॉट आउट। मतलब आर्ट जो है वो यूं ही किसी के अंदर नहीं होता है, वो एक नेचुरल स्किल है जो कि आपके अंदर होगा। आप अपने क्लास में होगे, अगर आप अपने स्कूल में हो तो आप देखोगे हर कोई अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। दैट मीन्स कि इट इज़ अ नेचुरल स्किल विच नीड्स टू बी ब्रॉट आउट, जिसको कि किसी के द्वारा सिखाया जाए या उसको प्रैक्टिस करके बाहर निकाला जा सकता है। एंड रिफाइंड एंड डेवलप्ड, तो ब्रॉट आउट रिफाइंड एंड डेवलप्ड, जिसको कि बाहर निकाला जा सकता है, उसको रिफाइन किया जा सकता है और उसको डेवलप किया जा सकता है। तो डेवलप करने के बाद क्या होगा? अगर जैसे आप देखो आपकी मर्जी है कि मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे ड्राइंग करनी है, बट आप कर नहीं पा रहे हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो और आपके पास कोई टीचर है या कोई सीनियर है जो कि आपको आर्ट के बारे में बता सके कि नहीं इस लाइन को ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, तो उसको आप रिफाइन करके डेवलप कर सकते हो। बेसिकली इंस्टिंक्टिवली वी ऑल नो हाउ टू ड्रॉ। तो वही बात है, पिकासो ने एक बार कहा था कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द मेन थिंग इज हाउ टू रिमेन वन व्हेन वी ग्रो इज द प्रॉब्लम। तो हर एक बच्चा आर्टिस्ट होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो उस आर्टिस्ट को जिंदा कैसे रखें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हियर इज ऑल्सो द सेम थिंग, इंस्टिंक्टिवली वी ऑल नो हाउ टू ड्रॉ। हम सभी को पता है कि कैसे बनाते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, बिकॉज ड्राइंग इज एसेंशियल टू द वे वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो अगर ड्राइंग नहीं हो, अगर दुनिया में ड्राइंग नहीं हो, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको मैं ये बोलता हूँ कि बेटा आम, तो आम बोलेंगे तो वो आ म नहीं समझेगा, वो उस फिगर को समझेगा, वो उस आम को समझेगा। अगर आप बोलते हो चेयर, तो चेयर एक विजुअलाइज होता है, ना कि आप CHAIR सोचते हो मन में। कभी भी विजुअलाइज करते हैं चीजों को, तो हमारा जो दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव है वो भी क्या है, ड्राइंग से रिलेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में विजुअलाइजेशन पहले आता है। इसीलिए टीचर्स भी आपको क्या करते हैं, इमेजिन करवाते हैं, कुछ स्टोरीज सुनाते हैं और उसके बाद लेसन्स को पढ़ाते हैं, ताकि आप उसको विजुअलाइज करो एंड इट विल बी ईजियर टू लर्न। आगे देखते हैं कि वंस वी अंडरस्टैंड हाउ मच ड्राइंग कैन मीन बियॉन्ड इट्स वैल्यूज, तो अगर हम ये चीज देखें कि अगर एक ड्राइंग को उसके वैल्यू से, सिर्फ पेन और पेपर से बढ़ के हम देखें, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस दुनिया में। कभी भी आपने सोचा है, आप जो फ्लाइट पे उड़ते हो उसको लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले स्केच कर दिया था। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स, हम जो देखते हैं मूर्तियां जो देखते हैं, आज आपके हाथ में फोन है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बिन डिजाइंड अर्लियर। तो वो कहीं ना कहीं एक पेन और पेपर से उठ के और आज हमारे हाथ में है, बट सबसे पहले उसको विजुअलाइज किया गया, सबसे पहले उसको ड्रॉ किया गया, एंड देन उसके वैल्यू से उठ के वो एक अट्रैक्टिव पिक्चर के रूप में देखा गया, एंड नाउ एज अ मीन्स ऑफ सीइंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो उसको पहले देखा गया एंड देन उसको इंटरप्रीट किया गया कि हम इस चीज को बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक जो व्हीकल है वो आप रोड ऑन रोड जब आता है तो वो एज इट इज स्केच हुआ होगा? बहुत सारी स्टोरी बोर्डिंग होती है, बहुत सारे टेक्निक से होके गुजरता है और उसके बाद जाके फाइनलाइज होता है। कितने सारे पेपर्स फाड़े जाते हैं, कितने सारे स्केचेस फाड़े जाते हैं और तब जाके एक डिजाइन या एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। एंड देन एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग वी इंटर इनटू अ फैंटास्टिक वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। सो वट एवर यू आर लुकिंग एट, दिस बोर्ड, दिस चॉक, मी, अस, एवरीथिंग, दिस वॉच, दिस रिंग, दिस पेन, द फोन आई एम रिकॉर्डिंग ऑन इज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ आर्ट।